अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गोभी के पराठे। कुछ व्यूअर्स कह रहे थे जब वो गोभी के पराठे बनाते हैं या किसी भी मसाले के कोई पराठे बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप शेयर करूँगी जिससे आपका मसाला जो है पराठे से बाहर नहीं आएगा और आपका पराठा भी नहीं टूटेगा। पहला टिप तो ये है कि आपने जो है आटा बिल्कुल फ्रेश नहीं लेना, बल्कि कुछ देर वो हमारे पास फ्रिज में पड़ा रहे, उसके बाद आपने वो यूज़ करना है। इस तरह से छोटे छोटे साइज़ में दो पेड़े बना लें, और जब आप पेड़ा बना रहे हो तो अपने हाथ को नीचे पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लें ऑयल या घी की हेल्प से, उससे जो है आपका पेड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब अपने पेड़ों को जो है वो बेल लें, और आपने बहुत बड़े साइज़ में इनको नहीं बेलना। इनको बेलते हुए आपने दोनों साइड से जो है वो ड्राई फ्लोर से कोटेड कर लेना है। इसका साइज आपने यही रखना है, इससे बड़ा नहीं करना। हम दूसरे को बेल लेते हैं। ये मसाला है जो मैं इसके अंदर फिल करूंगी, और ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपने इस मसाला को अच्छी तरह से पीसना है। इसमें कोई बड़े बड़े साइज के आलू हैं वो नहीं नज़र आने चाहिए। और सेकंड बात ये कि जब आप इसको अच्छे से पीस लें, कुछ देर के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उसके बाद आप इसको अपने पराठे पर डालें। ऐसे ड्राई फ्लोर को जो है नीचे स्प्रेड कर लें। अब हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे। जिन लोगों का पराठा जो है वो नीचे चिपक जाता है, वो ड्राई फ्लोर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर वो ऐसे बटर पेपर को भी नीचे बिछा सकते हैं। और अगर उनके पास बटर पेपर भी नहीं है तो फिर आप घर में कोई भी साफ शॉपर जैसे ब्रेड का है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मसाले को जो है वो इसके ऊपर ऐसे लगा लें, लगाते वक्त बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना। स्पून फोक या नाइफ के विदाउट अगर आप हाथ से यूँ मसाला रखेंगे तो और भी अच्छी बात है। और एक बात ज़रूरी है कि आपने इसके ये जो एजेस हैं यानी किनारों पर मसाला नहीं फिल करना, जितना दिल चाहे उतना मसाला डालें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और ना ही बाहर आएगा। यहाँ से आप दूसरी साइड को इसके ऊपर रख दें इस तरह से, और जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको प्रेस कर लें। कॉर्नर प्रेस करने के बाद इस तरह से एक दो दफ़ा ऊपर टैप करें। अब इस तरह से इसकी साइड चेंज करते वक्त नीचे अगेन ड्राई फ्लोर से स्प्रेड कर दें, और फिर इसके ऊपर इसको बेल लें। इसको नरम हाथ से बेल लें, जितना भी आप बड़ा लाइक करते हैं इसको आप कर सकते हैं। मसाला देखें कहीं से भी बाहर नहीं आ रहा, और ना ही आपका पराठा टूट रहा है, और ये बहुत ही बारीक और मज़ेदार पराठा बनेगा। अब हम इस पराठे को जो है तवा के ऊपर डालेंगे इस तरह से। देखिए हमारा पराठा जो है वो तवा के ऊपर चला गया है। आपने इसको स्लो फ्लेम पे रखना है और कुछ देर तक इसको हिलाना नहीं है। जब इसका शेड ऐसे चेंज हो जाए तब इसकी साइड चेंज करें। साइड चेंज करने के बाद इसके ऊपर ऐसे ऑयल लगा दें। अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं तो इसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई करें, लेकिन अगर आप मीट एंड डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर कम ऑयल का ही इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार फूल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाऊंगी। देखिए हमारा मज़ेदार पराठा इस तरह से आप इसके अंदर अंदर होल कर देंगे तो इसमें फिर जो है हवा नहीं भरेगी। रोज आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार क्रिस्पी पराठा जो है वो रेडी हुआ है। आपने बहुत देर जो है वो इसको एक साइड पे नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको ऐसे राउंड राउंड भी हिलाते रहें, और फिर साइड्स भी चेंज करते रहें।
जब आपका रिक्वायर्ड कलर आ जाए तो आप इसको उतार लें और मज़े से खाएं और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपका पराठा भी इतना मज़ेदार ही बने तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दवाओं में याद करें। See you next time with next recipe. Allah Hafiz.